एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली स्कैन करके जिस एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हैं, आज हम उस एप्लीकेशन की बात करेंगे। और वो एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, जिसमें आप चलता फिरता स्कैनर आपके मोबाइल में मौजूद होता है और जिसमें सारे शेडोज़ प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह निकल। इसके अंदर जो है वो मैंने प्ले स्टोर में सबसे पहले जाएंगे, कैम स्कैनर लिखेंगे, सर्च करेंगे। जब इसको सर्च करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये इसकी कंटिन्यू चलेगा और कुछ परमिशन और एग्रीमेंट्स ही आपसे मांगता जाएगा, वो आप इसको देते रहें। ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो है वो ट्रायल पीरियड के लिए फ्री है 3 दिन के लिए। वैसे आप इसको तो हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। अगर हमसे पेमेंट ऑप्शन मांग रहा है, हमें इसको बैक कर देना है। जैसे हम बैक करेंगे पेमेंट ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और ये परमिशन मांग रहा है, ये हमने अलाउ कर देना है। HD स्कैन कार्ड हेयर, अगर हमने कोई पेज स्कैन करना है तो हम ये कैमरे के बटन पर क्लिक करेंगे, ये परमिशन को अलाउ करेंगे। हम यहाँ से स्किप कर देंगे। अब मैं जाके कोई पेपर स्कैन करता हूँ और देखता हूँ कि ये इसको कैसे कैप्चर करता है। इसने कैप्चर कर लिया ऑटोमेटिकली, इसने सिलेक्ट कर लिए जो हैं। अगर आपने इसको बड़ा करना है, कम करना है, रिमेनिंग साइड ये खुद ही क्रॉप कर देगा। ये नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फिल्टर्स मौजूद हैं, नो शेडो है। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, लेकिन ओरिजिनल के अंदर कितना डम आ रहा है कलर। अगर आप इसको आप इसमें जो भी आपको ये अच्छा लग रहा है तो मैजिक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैजिक कर सकते हैं, जो भी आपको एज पर सूट कर रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब आप इसी तरह इसमें मल्टीपल जितने भी पेजेस हैं वो स्कैन कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल स्कैन करने हैं तो आप मल्टीपल भी स्कैन कर सकते हैं। ये हमने पिक्चर ले ली, उसी तरह क्रॉप करेंगे। अगर रोटेट है तो हम इसको लेफ्ट राइट रोटेट भी कर सकते हैं। ये हमने रोटेट कर दिया, फिर हमने इसको नेक्स्ट किया। यहाँ से फिर वही फ़िल्टर आ गए जो आप फ़िल्टर लेना चाहें और ये यहाँ जा गए। अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि पिक्चर तो चीज़ें हम दूसरे को शेयर कैसे करेंगे, तो हम PDF में जाएंगे और ये बुकमार्क जो है वो रहेगा, क्योंकि ये हमने ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये शेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं और ड्राइव में भी रख सकते हैं, किसी भी तरह पे इसको हम कर सकते हैं। तो हम जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड करके देख लेते हैं। हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाने के बाद ही हम सेंड कर देंगे। ये इस तरह से सेंड हो जाएगा और हम कैम स्कैनर के थ्रू इस वक्त जो है वो एक स्कैन करने के काबिल हो गए हैं। अगर आप इसको शेयर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर PDF का ऑप्शन भी है, शेयर JPEG के ऑप्शन में भी है, ईमेल भी कर सकते हैं, URL भी भेज सकते हैं। ये तमाम फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना मत भूलिए।